परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में जिजाऊ स्मृति शोध संस्थान के नाम से मार्केटिंग हब व प्रदर्शनी केंद्र पर DPR का सत्यापन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। नागपुर क्षेत्र में महिला उद्यमिता के विकास के लिए MSME DI नागपुर के सहयोग से नागपुर नगर निगम द्वारा शंकर नगर नागपुर में विकसित किया जाएगा, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस अवसर पर बात करते हुए पूर्व महापौर नंदा जिचकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने खुद इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए देने की बात कही और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्य किया जा रहा है। ज्यावेळेस आपण या प्रोजेक्टचं भूमिपूजन केलं तेव्हा त्यांनी स्वतः सांगितलं की मी या प्रोजेक्टला 10 कोटी रुपये देणार आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली त्यांचं हे ड्रीम प्रोजेक्ट आहे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पूर्ण पहिल्यापासून काम करत आहे आणि त्यांचं वेळोवेळी आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शन होतं, पण या प्रोजेक्टमध्ये त्यांना विशेष इंटरेस्ट आहे आणि ते नेहमी आम्हाला सांगत असतात। आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा कुठलाही देश प्रगती करतो तर तो देश तेव्हाच प्रगती करतो जेव्हा त्या देशाची महिला प्रगती करते। महिला समोर आली म्हणजे तो देश प्रगत होतो हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस वक्त अपना मनोगत व्यक्त किया। साथ ही कहा कि इस संबंध में उन्होंने नंदा जिचकर से चर्चा की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री से इस विषय पर बात की गई। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे देश ने अपनी आधी उम्र गवा दी है। अगर राष्ट्र की आधी आबादी को हमने चूल्हे और चौके तक सीमित रखा और उन्हें समाज में समाविष्ट होकर के आगे काम करने का मौका नहीं दिया है तो ये उनके साथ अन्याय है, ऐसा यहाँ आने के बाद मुझे लगा। एक विचार 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए तो पत्र के द्वारा अपने मित्र को मद्रास में पत्र लिखकर गए बताया। आप कल्पना कीजिए कि 1893 में उन्होंने विचार किया और पार्ले वाले जिस प्रकार से बता रहे हैं 2021 में हम पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी उनके सूचित करने के बावजूद भी राष्ट्र के कर्णधारों ने इस दिशा पर ध्यान नहीं दिया। बता दें कि परियोजना को MSMI मंत्रालय भारत सरकार की मार्केटिंग हब योजना के तहत सहायता से शंकर नगर में शहर के बीचों बीच विकसित किया जाना है। NMC और महाराष्ट्र सरकार नागपुर और आसपास के जिलों के MSES के लिए नागपुर को अपना पहला समर्पित प्रदर्शनी केंद्र प्रदान करने में योगदान देगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार BCN News नागपुर।